बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब हनुमान जी के वो चमत्कारी 12 नाम कौन से हैं? देखिए, वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अलग से आनंद रामायण में इनके विशेष 12 नाम बताए गए हैं। आनंद रामायण रामायण का एक और वर्जन है, एक और संस्करण है, और उसमें हनुमान जी के चमत्कारी 12 नामों का उल्लेख है। कौन से नाम हैं? ये नाम हैं हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। ये हनुमान जी के 12 चमत्कारी नाम हैं, और हर एक नाम अपने आप में मंत्र है। जैसे लक्ष्मण प्राणदाता कहते हैं हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। उसका एक मंत्र भी है, ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। उसी तरह से हनुमान जी के हर नाम के साथ एक मंत्र जुड़ा हुआ है। हर नाम की अलग अलग महिमा है और अलग अलग प्रयोग भी हैं। इन नामों के अलग अलग प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन अगर इनको एक साथ प्रयोग किया जाए तो ये विशेष तरह का लाभ देते हैं, इससे विशेष तरह के प्रभाव पैदा होते हैं। तो हनुमान जी के चमत्कारी 12 नाम तो आपने जान लिए, नाम जान लिए, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका सिस्टम क्या होगा, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, इनका प्रयोग क्या करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। देखिए, प्रातः काल रात में सोने के पहले, किसी नए काम की शुरुआत के पहले या यात्रा के पहले इन नामों का प्रयोग आप कर सकते हैं। टेक्निकली क्या है कि सुबह उठने के साथ पलंग पे बैठे बैठे पढ़ लीजिए और रात में सोने के पहले पलंग पे बैठे बैठे पढ़ करके सो जाइए। सबसे अच्छा तरीका है ये। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए दुकान शुरू करने जा रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इन नामों को एक बार पढ़ लीजिए, और यात्रा की शुरुआत करने के पहले इन नामों को जरूर पढ़िए। उससे यात्रा में आप कभी भी दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। एक पीला कागज ले लें और उस पर लाल रंग से, लाल इंक से, लाल पेन से इन नामों को लिख लें और घर के मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आप इसे बार बार देखेंगे, जब पूजा स्थान पर रहेगा तो बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा, बार बार आप इसे देखेंगे, और जब आप बार बार इसे देखेंगे तो ये मन में उच्चारण हो पाएगा और ये नाम और से ज्यादा और से ज्यादा और से ज्यादा आप पढ़ेंगे और आपको फायदा होगा। इसको यंत्र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजपत्र ले लें और अष्टगंध की स्याही को अनार की कलम में डुबा करके भोजपत्र पर इन नामों को लिख लें। इसके बाद इसे मोड़ करके लॉकेट की तरह लॉकेट में भर दें या लाल कपड़े में इसको बांध लें और गले में लॉकेट की तरह इसको आप पहन सकते हैं। शास्त्र कहता है कि जो हनुमान जी के 12 नामों का प्रयोग करता है उसकी दसों दिशाओं से और आकाश पाताल से रक्षा होती है। प्रातः काल उठने के साथ अगर आप ये नाम लेते हैं तो आप दीर्घायु होंगे, आपकी आयु लंबी होगी। दोपहर को अगर आप ये नाम लेते हैं तो आप धनवान होंगे, आपकी धन की मुश्किलें दूर होंगी। रात को अगर ये नाम आप लेते हैं सोने के पहले तो आपके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। यानी तीन टाइम इन नाम को लेने की महिमा है, सुबह, दोपहर और रात। मनोकामना पूरी करने के लिए इन 12 नामों को रोज सुबह 9 बार जपना चाहिए, यानी कुल मिला के 108 हो जाएंगे। तो ये 12 नाम आप सुबह 9 बार जपिए, 9 बार की साइकिल में आपको फायदा होगा। और अगर 9 बार जपना कठिन लग रहा है तो आप सुबह उठने के साथ पलंग पे बैठ के जप लीजिए और एक बार रात में सोने के पहले पलंग पे पढ़ करके उसके बाद सो जाइए।
इन नामों को जितना प्रयोग करेंगे उतना ही जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, मन आपका शुद्ध होगा और मन की स्थिति में सुधार होगा।